एयर स्ट्राइक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी पे कर रहा हूँ। तो आप बताइए ना, मोदी जी एयर स्ट्राइक करने गए हो तो वो कहें मैंने एयर स्ट्राइक किया। मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी की औकात है क्या वो सेना को आदेश दे सकते हैं? राष्ट्रपति की ये बात कही तो मैं मानता हूँ, जिस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए मोदी जी के ऊपर। अभी हम वाराणसी में हैं, वाराणसी में बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट तेज बहादुर यादव ने पर्चा भरा था, लेकिन उनका जो कैंडिडेचर है उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, ये साइट करते हुए कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने का अनाउंसमेंट किया तो एक कॉलन इन्होंने खाली छोड़ा था जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी। इसको साइट करते हुए, एक रीज़न साइट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो कैंडिडेचर था, इनका जो दावा था उसको रद्द कर दिया। तेज बहादुर को आप जानते होंगे, ये मीडिया में हेडलाइन में आए थे तब जब इन्होंने बीएसएफ में जो खाना दिया जाता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप की गई, बाद में इनको टर्मिनेट कर दिया गया था सर्विस से। उसके बाद इनके बेटे की डेथ हुई, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। आइए हम बात करते हैं तेज बहादुर से, क्या कहना है उनके। तेज बहादुर, आप ये बताइए कि क्या कुछ हुआ, डिटेल में बताइए कि आपने फर्स्ट एफिडेविट फाइल किया इलेक्शन कमीशन में, जहां पे आपने टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का जो कॉलम था उसको आपने फिल किया था। सेकंड नॉमिनेशन पेपर में जब आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए, वहाँ पर वो नहीं हुआ, क्या ये वजह बनी आपके इसको रद्द करने की? जय हिंद। नहीं, इन्होंने जो हमारे को रद्द जो किया है उसमें इन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने जब फॉर्म भरा उस टाइम चुनाव आयोग से आपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया। जब मैंने फॉर्म भरा उस टाइम इन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म रिसीव किया और हमें रिसीव्ड जो कॉपी दिया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियाँ नहीं थी। दोबारा जब हम पार्टी सिंबल पे जब 29 तारीख को जो नॉमिनेशन किया उस समय भी रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे से जो फॉर्म लिया उस समय भी उन्होंने उस पर कुछ नहीं लिखा कि आपको वो फॉर्म जमा करना है। अचानक 30 तारीख को इनके दिमाग में कहाँ से आता है अचानक कि नहीं है आपको ये फॉर्म लगेगा, ये हमें नोटिस देते हैं, हम 2 घंटे में नोटिस का जवाब दे देते हैं इनको कि जी हमें जो है ये चीज़ लागू ही नहीं है, क्योंकि जो मैं नौकरी से बर्खास्त हूँ वो अनडिसिप्लिन केस में है तो उन शर्तों के अंदर मैं आता ही नहीं हूँ, और जो आप कैसे खारिज करो। उसके बाद में 6:15 पे ये फिर नोटिस देते हैं कि नहीं 33 के तहत आपको चुनाव आयोग दिल्ली से आपका क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा। अब ये बताइए कितने समय में, एक गरीब आदमी, मेरे पास कोई चार्टर प्लेन तो है नहीं ताकि मैं चला जाऊँगा, गरीब किसान का बेटा हूँ और इन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारे समर्थक थे उनको जैसे ही पता लगा वो दिल्ली चुनाव आयोग पहुँच गई वकीलों की टीम। जब चुनाव आयोग वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बीजेपी के संबित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता वहाँ बैठे हुए चुनाव आयोग पे दबाव डाल रहे हैं कि तेज बहादुर का यहाँ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना दिया जाए। उसके बावजूद भी हमारे वकील वहाँ से कामयाब हुए और उन्होंने ले लिया। अब चुनाव आयोग लास्ट में कहता है नहीं आपने फॉर्म के साथ क्यों नहीं लगाया, तो ये साजिश रची गई है, साजिश के तहत जो है हमारा पर्चा खारिज किया है, कागज़ों में हमारी किसी प्रकार की कोई कमियाँ नहीं थी। मोदी जी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ क्योंकि मोदी जी हार रहे थे, सीधे मोदी जी को डर है, और हम आपके माध्यम से कहते हैं कि मोदी जी सोचें कि वो जीत गए तो मोदी जी आज एक सेना के जवान के सामने हार गए हैं बुरी तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने आपको 11 बजे का डेडलाइन दिया था, आप उस डेडलाइन पे वो जो एनओसी जो आपको सबमिट करना था वो नहीं कर पाए। नहीं, हमने 11 बजे उनको कहा है बिल्कुल कि हमारे चुनाव आयोग में जो लोग वहाँ पर हैं आप मेल चेक कीजिए, जब वो चुनाव आयोग है, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के अधीन है तो क्यों नहीं बात करते, जबकि उन्होंने बात किया। अगर दी ऐसा था तो 11:10 पे उन्होंने हमें ऑर्डर देना चाहिए था, 3:30 तक क्या करते रहे, क्या बहस करते रहे, बोलो किस विषय पे चर्चा करे जो चुनाव आयोग बताए जरा हमें। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेना के एक जवान से डर गए, ये पूरा चुनाव सेना के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, विकास कहीं पीछे छूट चुका है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सेना के एक जवान से हार गए? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं उनके सामने आया हूँ कि वो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सेना के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब सेना का जवान उनके सामने तो उनका पर्चा खारिज क्यों करवा रहे हैं वो, कि सेना का जवान सेना के बारे में जानते हैं? मोदी जी जानते हैं, मोदी जी से एक बार पूछ के देखिए उनके खानदान में आज तक कोई सेना में गया है क्या? जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो निक्कर पहन के ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, ये लोग उन्हीं परिवारों से हैं ये लोग,
मैं अपने परिवार का मेरा इतिहास है, मेरे दादाजी ईश्वर सिंह आज़ाद फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने को तांबर पत्रों द्वारा सम्मानित किया हुआ है, तो मोदी जी क्या सेना का सम्मान करेंगे। ये आप किस बेसिस पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के अगेंस्ट के उन्होंने आपका पर्चा कैंसिल कराया है? बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे उन्होंने कराया है। आप ये बताइए कि यहाँ उनके मुख्यमंत्री, जैसे ही मेरा नामांकन होता है उनका मुख्यमंत्री यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी यहाँ आके बैठ के BHU के अंदर रात को 2 बजे मीटिंग लेते हैं अधिकारियों की, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है लेकिन नहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। ये साफ तौर पर मेरा सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने, आरोप नहीं ये सत्य है कि किसी उन्होंने हथकंडे अपना के मेरा पर्चा खारिज करवाया। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जिसको अनबायसली काम करना है, अगर वो नहीं करता है यू हैव लीगल ऑप्शन, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब क्या लोकतंत्र कहाँ ख़त्म हो गया था? उसी दिन ख़त्म हो गया था। CBI के आपने देखे चीफ को इन्होंने किस तरीके से निकाल दिया, कहाँ लोकतंत्र बच गया? तानाशाही है, उस तानाशाही से लड़ने के लिए तो हम आए, आज बचा कहाँ है लोकतंत्र? आज जब जैसे ही राइफाइल का फाइल खुलती है CJM के पर आरोप लग जाते हैं तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? चुनाव आयोग इनका मुट्ठी में बचा ही नहीं है, लोकतंत्र तो बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए तो हम चुनाव में आए थे और क्या हुआ, अगर यदि लोकतंत्र जिंदा होता, लोकतंत्र की बात होती तो आज हम चुनाव लड़ते। तेज बहादुर एक और बात बताइए, पिछले 5 साल में दो चीज़, एक नया नैरेटिव डोमिनेंट रहा है राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह, और उसमें हमेशा सेना को घसीटा गया है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो कभी ये हो वो हो, पूरी राजनीति सेना पे हुई है। कितनी ईमानदारी थी इस राजनीति में, चूंकि आप BSF में आपने सर्व किया है, फ्रंट लाइन आपका डिफेंस होता है, आर्मी आपके पीछे होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, कितनी सच्चाई है उस दावे में? देखिए इससे पहले आप खुद पूरे देश को सोचना चाहिए कितने आतंकी हमले हुए और इनके दौरान कितने हुए, अगर दी वाक्य में इन्होंने फौज के लिए 1% भी काम किया होता तो इनके राज में 997 जवान आत्महत्या नहीं करते, 775 जवान आतंकी हमलों में नहीं मारे जाते। पुलवामा हमला आपके सामने है, जो ये शहीद शहीद चिल्लाते हैं इनसे एक बार ये पूछो कि ये जो जवान हैं ये शहीद नहीं है, मरे हैं, आज तक शहीद का दर्जा दिया है इन्होंने? क्या किया इन्होंने? ये ORP की चिल्ला रहे हैं, तो इनको ये पूछिए कि जिस दिन मेरा रोड से हो रहा था सेना के जवान यहाँ मेरे साथ रोड पर खड़े होकर कह रहे थे कि हमें ORP नहीं मिला, क्यों झूठ बोल रहे? अगर ये सेना के लिए कुछ करते तो सेना के जवान इनके लिए खिलाफ रोडों पे क्यों आते? इन्होंने सिर्फ सेना को बदनाम किया है, सेना का मोराल डाउन किया है, सेना इनके खिलाफ बड़े गुस्से में पूरी सेना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो देश के लिए वोट कीजिए, सेना के लिए वोट कीजिए, पुलवामा हमले को याद करते वक्त आप EVM पे बटन दबाइए, तेज बहादुर का क्या कहना है? देखिए जो भी कोई होता है ना नेता कहता है कि मैं जीतने के बाद हॉस्पिटल मनाऊंगा, मान लेते हैं, वो शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, देश को सोच लेना चाहिए, वो जीतने के बाद शहीद कराएंगे और कुछ नहीं करा सकते। जिस शहीद के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर दी मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं पूरे देश को शहीद करा दूंगा और फिर वोट मांगूंगा, क्यों दें हम उसे वोट? शहीद हैं ही नहीं, वो तो मरवाए गए हैं सीधे सीधे तौर पर। तो मैं देशवासियों से, हर देशवासी कह रहा है क्यों दें भाई हम, आप शहीद का दर्जा दे दो ना उनको पहले, आप क्यों नहीं दे पाए आज तक? शहीद का दर्जा ही नहीं था, क्यों दें हम वोट? अगर दी इतने फिर भी आप कहते हो तो कोई एक ऐसा परिवार बताइए शहीद का जिसके परिवार को आपने चुनाव में टिकट दिया हो, मुझ जैसे इंसान को तुमने क्या किया, बच्चे तक को मरवा दिया तुमने। मैं वो केस क्या था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा एक गरीब परिवार को, जो कि मुझे इसे चुनाव मैदानों में यहाँ से उतारा। आपके बेटे का क्या केस था? नहीं, बेटे का डेथ का एक सस्पेंस है, मुझे तो कहा गया है कि आपके बेटे का इंसिडेंटल फायर से डेथ हुआ है, ना तो कोई जांच हुई, फाइल क्लोज कर दी गई। मैं भी नहीं था, मेरी पत्नी, मैं कुंभ में गया हुआ था, मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, मेरी मिसेज सर्विस करती हैं घर का गुजारा चलाने के लिए, मैं कुंभ गया हुआ था, उसका सस्पेंस है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि सिस्टम का शिकार हुआ है वो, आज ये चीज़ें नहीं होती तो आज शायद मेरा बच्चा जिंदा होता। छोटे से दो सवाल, क्या ये मान लिया जाए कि तेज बहादुर डर गए हैं, उनको किसी तरह से डराया गया है? और दूसरा सवाल ये कि अभी आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि आपको BJP से पैसे का ऑफर आया है, कितनी सच्चाई है इन दावों में, क्या कहेंगे आप इन पे? नहीं, ऑफर तो ये हर तरह की कोशिश करते हैं, जैसे पहले मुझे धमकियां दी जाती थी आप पीछे हो जाइए, इनको पता है एक फौज का जवान है धमकियों से डरेगा नहीं।
जब मेरे बच्चे की डेथ हुई उसके बाद ये पता लग गया कि ना तो ये पैसे से खरीदा जा सकता है, ना इसको धमकाया जा सकता है, तो अब इन्होंने ये रास्ता अपनाया धोखाधड़ी करके और मेरा नामांकन रद्द करवाया इन्होंने। तो इनको तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का प्रयास करूँगा मैं, ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ता रहूँगा। व्हाट नेक्स्ट, तेज बहादुर आगे क्या करेंगे? आगे इसी तरह के कार्य करता रहूँगा, लोगों को जागृत करने की कोशिश करूँगा, चुनाव के बाद भी मेरे अभियान चलता रहेगा। ये सोचे कि हम सत्ता में बैठ जाएंगे तो बैठ, अगर दी गलती से पहली बात तो बैठ ही नहीं रहे, अगर दी बैठ भी गए तो हम इनको बैठने देंगे नहीं, हम इसी तरह के अभियान आंदोलन चलाते रहेंगे पूरे देश में रेगुलर, लोगों को जागृत करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तेज बहादुर यादव जिनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने सपोर्ट किया है शालिनी यादव को। शालिनी यादव पहले भी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, यहाँ से कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आई हैं।